हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम क्रैकर। कंटिन्यू करेंगे आज के इस वीडियो में सीडीपी के 120 प्लस क्वेश्चन की सीरीज को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिया है, तो आज के सीजन में क्वेश्चन नंबर 61 से कंटिन्यू करेंगे। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 61, यदि एक छात्र प्रतिदिन विलंब से विद्यालय आता है तो उपयुक्त होगा। फर्स्ट ऑप्शन है उसे विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाए। सेकंड, छात्रों के सामने उसे दंडित किया जाए। थर्ड, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत की जाए। एंड फोर्थ, उसके कारणों का पता लगाया जाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार टीचर को मतलब क्या वजह है, किस कारण से वो लेट हो रहा है, उसका पता लगाना और फिर उसका निदान जो होता है वो करना जरूरी होता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह फर्स्ट ऑप्शन है सहयोग पर भाषण दे। सेकंड, सहयोग पर चित्र दिखाए। थर्ड, छात्रों से सामूहिक कार्य कराए। एंड फोर्थ, रचनात्मक कार्य दिखाए। करेक्ट आंसर होगा 62 का ऑप्शन थ्री, छात्रों से सामूहिक कार्य कराए, क्योंकि अगर वो सामूहिक कार्यों में भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे खुद से, तो उनमें समूह की भावना का विकास होगा और वो सहयोग की भावना को विकसित कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, कक्षा में एक छात्र सदैव भयग्रस्त रहता है, उसे निडर बनाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह फर्स्ट ऑप्शन है उसे न डरने की सलाह दे। सेकंड, स्विंग रोज उसके साथ प्रेम करे। थर्ड, उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने को कहे। एंड फोर्थ, इसकी सूचना प्रधानाचार्य को दे। तो 63 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन टू, स्विंग रोज उसके साथ प्रेम से रहेंगे तो वो छात्र भयग्रस्त जो रहता है वो नहीं रहने लगेगा और उनकी बातों से समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, अध्यापन के अतिरिक्त कुछ व्यवसाय और भी हैं जिसमें आपकी बहुत रुचि है, जैसे पत्रकारिता, बैंकिंग सेवा, प्रशासनिक सेवा, अन्य कोई नहीं। तो 64 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन, पत्रकारिता, क्योंकि ये भी टीचिंग से ही रिलेटेड है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, आप खाली समय बिताना चाहेंगी। फर्स्ट ऑप्शन है गपशप में। सेकंड, सैर सपाटे में। थर्ड, स्वाध्याय से। एंड फोर्थ, भजन कीर्तन में। करेक्ट आंसर होगा 65 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66, अच्छे छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए फर्स्ट ऑप्शन है उनकी प्रशंसा की जाए। सेकंड, उन्हें कक्षा में दायित्वपूर्ण कार्य दिए जाए। थर्ड, उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए। एंड फोर्थ, उपरोक्त सभी। 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उनकी प्रशंसा भी की जाए, उन्हें कक्षा में दायित्वपूर्ण कार्य भी दिए जाए और उनसे मैत्रीपूर्ण मतलब प्रेम से व्यवहार किया जाए, अच्छे से समझाया जाए। क्वेश्चन नंबर 67, कक्षा में पाठ पढ़ाते समय अचानक कोई छात्र प्रश्न पूछता है जो उस समय उस प्रसंग से मेल नहीं खाता है, तो आप क्या करोगे ऐसे में। फर्स्ट ऑप्शन है असमय प्रश्न पूछने के लिए छात्र को डांटेंगे। सेकंड, उसी समय छात्र की संघ का समस्या का समाधान करेंगे। थर्ड, पाठ समाप्त होने के बाद समाधान करेंगे। एंड फोर्थ, कोई उत्तर नहीं देंगे। तो 67 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पाठ समाप्त होने के बाद समाधान करेंगे, क्योंकि बच्चा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है जो टॉपिक उस वक्त चल रही है। ठीक है, तो जब वो ख़त्म हो जाएगा उसके एंड में उसकी क्या प्रॉब्लम है उसको बाद में टीचर सॉल्यूशन निकालेंगे, उसका समाधान करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, फीस के दिन आपकी कक्षा का कोई छात्र फीस लाना भूल गया है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन है अभिभावक के पास शिकायत भेजेंगे। सेकंड, उसे फीस लेने के लिए घर भेजेंगे। थर्ड, दूसरे फीस दिवस पर फीस लाने को कहेंगे। एंड फोर्थ, अगर संभव हो तो उसकी फीस स्विंग जमा कर देंगे। करेक्ट आंसर होगा 68 का ऑप्शन सी, दूसरे फीस दिवस पर फीस लाने को कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, यदि छात्र पाठ्यक्रम में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करना पसंद करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण को रोचक बनाएंगे। सेकंड, स्विंग शिक्षण में रुचि लेंगे। थर्ड, रुचि लेने वाले छात्रों का उदाहरण देंगे। एंड फोर्थ, अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे। 69 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अरुचि के कारण को जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्यों रुचि नहीं ले पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70, आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक एक विशेष वर्ग के छात्रों के प्रति परीक्षा में अधिक उदारता का व्यवहार करते हैं, ऐसी स्थिति में आपका उत्तरदायित्व होगा। फर्स्ट ऑप्शन है जैसा वे शिक्षक चाहे वैसा करें। सेकंड ऑप्शन है अपने स्तर पर सभी छात्रों का सामान्य रूप से ध्यान रखें। थर्ड, प्रधानाचार्य से सलाह मशविरा करें। एंड फोर्थ, किसी से कोई मतलब न रखें। करेक्ट आंसर होगा 70 का ऑप्शन सी, प्रधानाचार्य से सलाह मशवरा करें। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना फर्स्ट ऑप्शन है एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है।
सेकंड ऑप्शन है व्यर्थ में धन की बर्बादी है, थर्ड हमारी जिम्मेदारी नहीं है एंड फोर्थ है प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। 71 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। क्वेश्चन नंबर 72, कठिन प्रयास के बावजूद सफलता न मिलने पर मैं, फर्स्ट ऑप्शन है सब भाग्य का खेल मानती हूँ, सेकंड ऑप्शन है इसे सदा के लिए भूल जाना चाहती हूँ, थर्ड आगे प्रयास करना समय की बर्बादी समझती हूँ एंड फोर्थ पुनः नए उत्साह के साथ प्रयास करती हूँ। ऑब्वियस सी बात है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर, पुनः नए उत्साह के साथ प्रयास करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 73, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप मतलब एक टीचर उस टाइम पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है उसमें सक्रिय भाग लेंगे, सेकंड उधर ध्यान नहीं देंगे, थर्ड सुनेंगे और आनंद लेंगे एंड फोर्थ एक पक्ष की मदद करेंगे। 73 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उधर ध्यान नहीं देंगे। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मानता है कि टीचर को अगर कोई भी बात मतलब टीचिंग से रिलेटेड नहीं हो रही है, जो उनसे मैटर नहीं रखता वो हो रहा है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, आजकल विद्यालयों में योग प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना आपके विचार से है, फर्स्ट ऑप्शन है समय की बर्बादी, सेकंड एक अच्छा प्रयास, थर्ड छात्रों पर अतिरिक्त भार एंड फोर्थ अध्यापकों पर अतिरिक्त बोझ। 74 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक अच्छा प्रयास, क्योंकि योग प्रशिक्षण से स्टूडेंट जो है वो फिजिकल फिट रहेंगे, उनके आगे के जीवन के लिए भी वो अच्छा साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 75, मेरी रुचियों का समूह है, फर्स्ट ऑप्शन है डाक टिकट संग्रह, उपन्यास पढ़ना, मशीनें ठीक करना, सेकंड ऑप्शन है फिल्म देखना, पतंग उड़ाना, कपड़े सीना, थर्ड है ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, वाटिका लगाना, नई पुस्तक का अध्ययन एंड फोर्थ है मिठाई बनाना, फुटबॉल खेलना और जादू दिखाना। 75 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, गृह वाटिका लगाना और नई पुस्तक का अध्ययन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 76, विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है वे सहानुभूति के पात्र है, सेकंड उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है, थर्ड वे किस्मत के मारे हैं एंड फोर्थ उनके लिए अलग व्यवस्था संभव नहीं हो सकती। करेक्ट आंसर होगा 76 का ऑप्शन बी, उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। क्वेश्चन नंबर 77, विभिन्न प्रकार के शिविरों जैसे NSS स्काउटिंग के आयोजन के संबंध में आपका विचार है कि फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण कार्य पर बुरा असर पड़ता है, सेकंड व्यक्तित्व का विकास होता है, थर्ड सहयोग और श्रम में आस्था उत्पन्न होती है एंड फोर्थ इनमें कोई लाभ नहीं होता है। तो 77 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहयोग और श्रम में आस्था उत्पन्न होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा, फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक परिश्रम द्वारा, सेकंड सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, थर्ड अच्छे साहित्य द्वारा एंड फोर्थ है मानसिक कार्यों के उचित वातावरण द्वारा। 78 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मानसिक कार्यों के उचित वातावरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79, भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ शिक्षा की योजना आपके विचार से, फर्स्ट ऑप्शन है कम खर्चीली है, सेकंड छात्रों को प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, थर्ड घर बैठे ही पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है एंड फोर्थ शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है। 79 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश कर देने से, फर्स्ट ऑप्शन है छात्र प्रसन्न रहते हैं, सेकंड अध्यापक को विषय ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, थर्ड शिक्षण रुचिकर सरल और उपयोगी हो जाता है एंड फोर्थ कक्षा में शांति बनी रहती है। करेक्ट आंसर होगा 80 का ऑप्शन सी, शिक्षण रुचिकर सरल और उपयोगी हो जाते हैं जब शिक्षक कार्य में मतलब जो शिक्षा से रिलेटेड होता है उसमें हम दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने CDP के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।